अब देखिएगा आज का टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉची राइमन कंडीशन। कॉची राइमन कंडीशन फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब हो चुकी है, उनका प्रूफ हम कर चुके हैं, अब हम उन्हें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पोलर फॉर्म के लिए आप बीएससी पार्ट वन की मदद लीजिएगा। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपका चल रहा है, अब इस समय जो हम आर्टिकल करने वाले हैं उस आर्टिकल का बीएससी फाइनल से कोई लेना देना नहीं है, ये बीएससी पार्ट वन में जा करके आर्टिकल होगा। जैसे कि हम यानी कि समझिएगा यह कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म। आप कॉची राइमन कंडीशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आप निकाल चुके हैं, अभी ना हम पोलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आप देखिएगा एक्स इक्वल टू हमारा आर कॉस थीटा होता है और वाई इक्वल टू हमारा आर साइन थीटा होता है। अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा और थीटा की वैल्यू अगर हम लेंगे तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स आएगा। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो चार चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। चारों वैल्यू आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से जब आप डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर कॉस थीटा अपॉन आर, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। जब आप डेल आर अपॉन डेल वाई लेंगे तो वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर, ये साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू उठाइएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, टेन इनवर्स है तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है माइनस के साइन थीटा अपॉन आर। अब आप डेल थीटा अपॉन डेल वाई लीजिएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाता है आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाता है आपको आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आपकी वैल्यू आ जाती है कॉस थीटा अपॉन आर। अब ये चार पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास आ चुके हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स आ गया है, डेल आर अपॉन डेल वाई आ गया है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आ गया है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई आ गया है, ठीक है ना। अब चार पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास आ चुके हैं, चूंकि अब हम यहाँ पर वैल्यू लेने जा रहे हैं, चूंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स में आप लेंगे डेल यू अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, डेल यू अपॉन डेल आर हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा ये हो जाता है माइनस साइन थीटा अपॉन आर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब आप सिमिलरली कर दीजिएगा, सिमिलरली यू को रिप्लेस कर दीजिएगा बी से, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब ये पहली वैल्यू जो है पार्शियल डेरिवेटिव की आपके पास आ चुकी है। अब आप लीजिएगा चूंकि डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई का आप लेंगे डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अब डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख दीजिएगा तो ये आपका आ जाता है साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर आ जाएगा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू में आ जाता है आपका कॉस थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब देखिएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन आर रखी जा चुकी है। अब यू को आप बी से रिप्लेस कर दीजिएगा, सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू आपका बनेगा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर और प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। एक कंडीशन यू वाली आपने डेराइव करी है और उसे फिर यू को रिप्लेस कर दिया है बी से। अब कॉची राइमन कंडीशन लेने चलिएगा वाई, कॉची राइमन कंडीशन आप अपनी कॉची राइमन कंडीशन लगा दीजिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई है एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स।
अब देखिएगा यहाँ पर ये कंडीशन आप लगाने जा रहे हैं यहाँ पर, आप डेल यू अपॉन डेल एक्स देख लीजिएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है, तो ये हो जाता है कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो जाता है साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस cos theta upon r del v upon del theta, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा। अब ये कंडीशन उल्टी करके लगा दीजिएगा कि del v upon del x ना लेफ्ट में पढ़ लीजिएगा और माइनस जो है उधर ले जाइएगा, तो del v upon del x में इधर से लिख देता हूँ भाई, यही वैल्यू बन जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा cos theta del v upon del r, सॉरी गलत हो गया, u वाले लेफ्ट में रखेंगे v वाले राइट में, del u upon del y उठाइएगा आप यहाँ से, साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहां से उठा लीजिएगा, माइनस का कॉस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर और प्लस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 2। यहां से एक एक बार में एक एक टर्म हम काट लेते हैं, यहाँ देखिएगा साइन है और यहाँ देखिएगा कॉस थीटा है, अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा से और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा से, ये तो दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल आर, यहाँ देखिएगा साइन इंटू कॉस और यहाँ कॉस इंटू साइन, ये दोनों कट जाएंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाता है 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, एक कंडीशन आपकी आ चुकी है। अब दूसरा कर लीजिएगा, अब यहाँ इन दोनों को काटते हैं, देखिएगा अब आप इसे ऐड कर लेते हैं और इन दोनों को काट लेते हैं, अब आप इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करिएगा कॉस थीटा की और प्लस सॉरी माइनस इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करिएगा साइन थीटा की, तो है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब यहाँ पर जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू में 1 बन जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर, यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वी या ये वैल्यू हमारी सही आ चुकी है। आप देखिएगा ये मैंने कॉशी राइमन कंडीशन जो अभी कार्टेशियन इक्वेशन में बताई थी उनका मैंने पोलर फॉर्म बना दी है, अब कार्टेशियन इक्वेशन से पोलर फॉर्म बनाने का तरीका क्या होता है देखिएगा, जहाँ डी एक्स होता है उसको तो आप डी आर से रिप्लेस कर दीजिएगा और डी वाई जहाँ होता है उसकी जगह आर डी थीटा से रिप्लेस कर दीजिएगा। इन्हें याद करने का तरीका है कि अगर आपको कार्टेशियन में डिफरेंशिएशन पता है और आप पोलर में जाना चाहते हैं तो आप जहां dx है उसकी जगह dr लिख दीजिएगा और जहां dy है उसकी जगह r d थीटा लिख दीजिएगा, सही है ना, और आपकी जो है पोलर की जो है पोलर कंडीशन की जो कॉशी राइमन कंडीशन है वो आपको प्राप्त हो जाती है। अब देखिएगा मेरा आर्टिकल 2.15 है, 2.15 मेरा आर्टिकल है डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आर्टिकल बहुत सारे कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन से ज्यादा आर्टिकल कराए जाते हैं क्योंकि आर्टिकल आने की चांसेस जो है वो ज्यादा होती है। अब जिस तरह से अभी आपने कॉशी राइमन कंडीशन पोलर फॉर्म में निकाली है उसी तरह से आप डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो भी पोलर फॉर्म में निकालने जा रहे हैं, तो जब आप पोलर फॉर्म में निकालने जाएंगे तो आपको चार चीजें तो चाहिए होंगी, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये पीछे वाले आर्टिकल की मैंने लिखी रहने दी है। अब लास्ट वीडियो में आपको सफिशिएंट कंडीशन कराई गई थी, अब मैं सफिशिएंट कंडीशन का यूज करने जा रहा हूँ, अब यहाँ देखिएगा चूंकि सफिशिएंट कंडीशन का मैंने प्रूव करा था डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स हमने प्रूव करा था, अब मैं इसे पार्शियल में लेने जाता हूँ, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखिएगा एक बार में एक को मुझे कन्वर्ट करना है, पहले मैं सेकेंड टर्म को कन्वर्ट करूंगा, नेक्स्ट टाइम में मैं फर्स्ट टर्म को कन्वर्ट करूंगा। अब यहाँ देखिएगा
डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कॉस थीटा है, प्लस डेल अपॉन डेल थीटा, डब्ल्यू को तोड़ दीजिएगा, यू प्लस आई वी, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस के साइन थीटा अपॉन आर पड़ी हुई है, ये माइनस साइन थीटा अपॉन आर हो गया, यह हो गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा, यहाँ माइनस के साइन थीटा अपॉन आर हो जाता है, तो ये डेल यू अपॉन डेल थीटा हो जाएगा, प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा इस समय जो मैं पार्शियल डेरिवेटिव बनाने जा रहा हूँ, यहाँ दो रूपों में पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा, एक तो राइट हैंड साइड है वो आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन रखे, और एक पोजीशन ये होगी कि जो राइट हैंड साइड है वो थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन रखे। अब यहाँ देखिएगा आर के रेस्पेक्ट में है, और लेकिन यहाँ पर देखिएगा दोनों जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट में है। अब जो थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है उन्हें मैं वापस जो है वो आर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, इसके लिए मेरी कॉची राइमन कंडीशन पोलर फॉर्म की जो है वो मेरी मदद करेगी। अब चूंकि हमने प्रूव करा था डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू डेल वी वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और दूसरी वैल्यू हमारी थी वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर, ये मैंने राइमन कंडीशन लिख दी है। अब यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा है, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर है। अब देखिएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा है, डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू यहाँ से लाइएगा, माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर हो जाता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर हो जाता है, और यहाँ देखिएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा है, यहाँ से वैल्यू आ जाती है, प्लस का आर हो जाएगा और डेल यू अपॉन डेल आर हो जाएगा, अभी यहाँ आई रह गया है, ये हो जाता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा। अब ये आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा, साइन थीटा आर हमारा कट जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस भी बाहर आ गया है, आर भी बाहर आ गया है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आई डेल यू अपॉन डेल आर। यहाँ पर देखिएगा मुझे वापस डब्ल्यू बनाना है, डब्ल्यू बनाने के लिए मुझे यू प्लस आई भी चाहिए होगा, लेकिन आई देखिएगा यू के साथ है। अब यहाँ से मैं आई कॉमन लूँगा तो यहाँ पर वन अपॉन आई बन जाएगा, और वन अपॉन आई की वैल्यू जैसे इलेवेंथ वाले बच्चे लिखते हैं, अगर वन अपॉन आई है तो हम कहीं भी उसे डायरेक्ट माइनस का आई लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाहर हो जाता है, यहाँ डेल यू अपॉन डेल आर हो जाएगा, वन अपॉन आई की वैल्यू हो जाती है माइनस का आई डेल वी अपॉन डेल आर, ये यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर देखा मेरे से साइन गलत हुआ है, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन मेरा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आई मैंने कॉमन लिया है, यहाँ से आई मैंने कॉमन लिया है, तो ये वैल्यू मेरी माइनस की है ये, और वन अपॉन आई जो है मेरा माइनस का हो जाएगा, एक माइनस और कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ डेल अपॉन डेल आर कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा यू प्लस आई भी हो जाएगा। अब देखिएगा डब्ल्यू बन चुका है, तो ये हो गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। अब देखिएगा आपकी फॉर्म क्या बनती है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और यहाँ पर बन जाता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। अब देख लीजिएगा आपका जो डेरिवेटिव है वो पोलर फॉर्म में जो है क्या रूप बन चुका है, तो पोलर फॉर्म में जब आपने देखा वैल्यू को तो आपकी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू बनी है आपकी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। ये आर्टिकल मैंने आधा कर दिया है, इसका रिमेनिंग पार्ट डू योरसेल्फ, आधा पार्ट मैंने कर दिया है, आधा पार्ट आप बुक के अकॉर्डिंग हेल्प लेकर के सिंपली कर सकते हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं है। यहाँ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू देखिएगा किसके रेस्पेक्ट में निकाल लिया, आर के रेस्पेक्ट में निकाल लिया। अब पार्शियल डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं, एक विद रेस्पेक्ट टू आर होता है, तो दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा भी होगा। आप इसी प्रोसीजर को दोबारा से कंटिन्यू कर दीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अब आपको जो डिफ्रेंशिएशन लेकर के जाना है वो थीटा के रेस्पेक्ट में लेकर के जाना है, तो यहाँ पर ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा जो है
या अब की बात जो दूसरे वाले आर्टिकल में कराया जाएगा वो इस तरह से होगा कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा को तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ डब्ल्यू को तोड़ देंगे यू प्लस आई वी में, तो डेल यू अपॉन डेल आर आ जाएगा, आई डेल वी अपॉन डेल आर आ जाएगा, और दोनों की कॉची राइमन कंडीशन से वैल्यू थीटा में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वापस उसे डब्ल्यू बना लेंगे। तो जिस तरह से आपका रिलेशन आया है ये पर, इधर जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो इधर पार्शियल डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में है, उसी तरह से बुक की हेल्प लेकर के आप दूसरा कर लीजिएगा। लेफ्ट में तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही रहेगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड जो है वो डिफरेंशिएशन पार्शियल जो है वो विद रेस्पेक्ट टू आर ना होकर के थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक में जो डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा वो विद रेस्पेक्ट टू आर होता है और दूसरे में जो डिफरेंशिएशन होता है वो पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा होता है। अब मैं नेक्स्ट उस पर चलता हूँ क्वेश्चन पर। अब देखिएगा आर्टिकल के बाद जो है ये छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है जो पोलर फॉर्म पर डिपेंड है, इसे देख लेते हैं। इफ एन इज रियल शो दैट आर टू दी पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज एनालिटिक एक्सेप्ट पॉसिबली व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो। जो फंक्शन डब्ल्यू दे रखा है वो एनालिटिक है और साथ में एक शर्त भी लगा दी एक्सेप्ट एट आर इज इक्वल टू जीरो पॉसिबली, यानी कि हो सकता है आर इज इक्वल टू जीरो पर, यानी कि ओरिजिन पर जब आप जाएंगे तो ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक ना हो। ठीक है, एनालिटिक तब होता है जो फंक्शन एनालिटिक होता है वो कॉची राइमन कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करता है, लेकिन एनालिटिक फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अब साथ में हमारा ये भी लिखा हुआ है एंड दैट इट्स डेरिवेटिव इज, और ये जो वैल्यू होगी इसके डेरिवेटिव्स की होगी। अब आंसर में देख लीजिएगा फंक्शन आपका डब्ल्यू आर टू दी पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा है, डब्ल्यू इक्वल टू आप लिख दीजिएगा यू प्लस आई। अब यहाँ पर मैं कॉची राइमन कंडीशन जो है वो प्रूव करने जा रहा हूँ, तो मुझे दोनों वैल्यू दो, मुझे यू भी दो और वी भी दो। इक्वेट आर पी एंड आई पी, तो यू इक्वल टू आर टू दी पावर एन कॉस एन थीटा है और v इक्वल टू r टू दी पावर साइन n थीटा है, तो डेल u अपॉन डेल r इज इक्वल टू हो जाता है n r टू दी पावर n माइनस वन कॉस n थीटा और डेल v अपॉन डेल r इज इक्वल टू n r टू दी पावर n माइनस वन साइन n थीटा। अब यहाँ से डेल u अपॉन डेल थीटा अगर आप करते हैं तो यहाँ से हो जाता है माइनस n r टू दी पावर n साइन n थीटा और डेल बी अपॉन डेल थीटा आप करते हैं तो एन आर टू दी पावर एन कॉस एन थीटा हो जाता है। देन अब देख लीजिएगा डेल यू अपॉन डेल आर, इधर से देखिएगा इधर से देखिएगा, यहाँ आर की एक पावर कम है तो इधर से आर इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाता है वन अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा। अब इस वाली टर्म से देखिएगा इस वाली टर्म से देखिएगा तो यहाँ से डेल बी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये वैल्यू निकालने के लिए आर मुझे घर लाना पड़ेगा तो माइनस का वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कॉची राइमन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर एक बात विशेष रूप से समझ लीजिएगा, कॉची राइमन कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी, अगर कॉची राइमन कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए मना कर देती हैं तो आपका फंक्शन किसी भी हालत में एनालिटिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर कॉची राइमन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, कॉची राइमन कंडीशन मान लीजिएगा अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो जो है कूद करके इस नतीजे पर मत पहुंच जाइएगा कि आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। जब तक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तब तक वो एनालिटिक नहीं हो सकता। अब मैं इसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज करने वाला हूं, सेटिस्फाइड हो गई है। अब हमने जो अभी डेरिवेशन करा था उसमें डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा था और यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर था, तो ये हो जाता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब डब्ल्यू का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, पार्शियल कर रहे हैं हम, तो ये हो जाता है एन आर टू दी पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये ई टू दी पावर माइनस आई थीटा है, एन आर टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर एन आई थीटा है
एन आर टू दी पावर एन माइनस वन ए टू दी पावर आई एन माइनस वन थीटा, ये वैल्यू आपकी आ जाती है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एन आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये हो जाता है आपका कॉस एन माइनस वन थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन थीटा। अब देखिएगा डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो प्रूव्ड हो चुकी है। अब देखिएगा यहाँ डेरिवेटिव को खतरा कब होता है, जब डेरिवेटिव जो है इनफाइनाइट ना हो रहा हो, चूंकि डेरिवेटिव जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिएगा आर की पावर में एन माइनस वन है। अब ये सोचिएगा अगर एन की वैल्यू वन से छोटी हो जाती है, अगर एन की वैल्यू वन से छोटी हो जाएगी तो आर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, और आर की जगह आप जीरो रखेंगे तो जीरो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, और जब जीरो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा तो वो इनफाइनाइट रिजल्ट देगा। तो आपका जो डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसे केस में जो है आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अर्थात आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू एट आर इक्वल टू जीरो एंड एन लेस देन वन, यानी कि आर इक्वल टू जीरो और एन जो है लेस देन इक्वल वन, लेस देन अगर वन हो जाता है तो ऐसे केस में डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा और आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और इस बिंदु को छोड़ करके बाकी आपका फंक्शन जो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा यानी कि एनालिटिक होगा। अब देखता पहली एक्सरसाइज के एग्जांपल शुरू होते हैं। एग्जांपल नंबर वन में वो आपसे पूछता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड, जेड के ऐसे कौन से मान होंगे टू फंक्शन डब्ल्यू डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन सीजेस टू बी एनालिटिक। वो आपसे यहाँ पूछ रहा है जेड के ऐसे कौन कौन से मान होंगे जहां पर फंक्शन के लिए कहा गया है सीजेस टू बी एनालिटिक, सीजेस टू बी एनालिटिक, जैसे कहते हैं ना सीज फायर, लड़ाई बंद कर दो, सीजेस कहते हैं बंद होने को। अब ये जो कह रहा है वो सीजेस टू बी एनालिटिक कह रहा है, यानी कि वो जेड की आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है जहां पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जब फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब है आपके डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ रही होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इनफाइनाइट होना चाहिए और डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इनफाइनाइट हो जाता है, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू जीरो आ जाती है, तो ऐसे केस में आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल का ही दूसरा मीनिंग एनालिटिक होता है, तो यानी कि आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। तो यानी कि मुझे तलाश में जाना है उन पॉइंट्स की जेड के ऐसे कौन कौन से मान होंगे जिन्हें रखने पर मेरा डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जो है वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाए। आप देखिएगा यहाँ पर अब यहाँ जेड इक्वल टू दे रखा है, आपको याद दिला देता हूँ बीएससी पार्ट वन की, अगर आपके पास साइन आई एक्स था तो आप आई साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखते थे, और कॉस आई एक्स था तो आप लिखते थे कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब बीएससी पार्ट वन के फॉर्मूले यूज करिएगा। अब जेड इक्वल टू आपके पास है साइन यू कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस आई कॉस यू साइन हाइपरबोलिक बी, जेड इक्वल टू साइन यू, ये हो जाता है कॉस आपका आई बी प्लस आई कॉस यू, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ से, तो ये हो जाता है साइन आई बी अपॉन आई, तो जेड इक्वल टू आपका हो जाता है साइन यू कॉस आई बी प्लस कॉस यू साइन आई बी। अब जेड इक्वल टू आपका बन चुका है साइन यू प्लस आई बी, जेड इक्वल टू बन गया है आपका साइन डब्ल्यू, और यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स जेड। और जब आप डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर। आप कह देते हैं इफ डब्ल्यू इज नॉट एनालिटिक, ब्रैकेट में डाल देता हूँ डिफरेंशिएबल, ऐसे केस में आप डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को इनफाइनाइट लेकर के चले जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिएगा अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा, और जेड इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस वन।
इस तरह से आपने देखा कि जेड की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस वन आई है, यानी कि जेड इज इक्वल टू प्लस वन और जेड इज इक्वल टू माइनस वन। ये आपके ऐसे दो पॉइंट है जहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना बंद हो जाता है, यानी कि फंक्शन जब फंक्शन ए सी जेस टू बी एनालिटिक। अब इसी तरह पे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर टू भी इसी तरह से है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड ऑफ द फंक्शन डब्ल्यू डिफाइंड बाई फॉलोइंग फंक्शन सी जेस टू बी एनालिटिक। यहाँ भी सी जेस टू बी एनालिटिक है। अब यहाँ से आंसर में देख लीजिएगा जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस बी कॉस यू प्लस आई साइन यू है, ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस बी, ये हो जाता है ई टू दी पावर आई यू। जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई यू माइनस बी ई टू दी पावर आई यू प्लस, इसे पढ़ लेते हैं आई स्क्वायर बी, तो जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई कॉमन हो जाएगा, यू प्लस आई बी हो जाता है। अब ये मेरा डब्ल्यू बन चुका है जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई डब्ल्यू, ये हो जाता है लॉग जेड इज इक्वल टू आई डब्ल्यू। अब यहाँ से जब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन आई जेड। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू जो है वन अपॉन आई जेड आई है। अब यहाँ पर अगर मैं जेड इज इक्वल टू जीरो रख देता हूँ तो मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। तब मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ओरिजिन जो मेरा पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। अब देखेगा एग्जाम्पल नंबर तीन, ये भी सी जेस टू भी एनालिटिक का है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये कार्टिजन फॉर्म में ना हो करके ये हमारा पोलर फॉर्म में है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन सी जेस टू भी एनालिटिक, जेड इज इक्वल टू दे रखा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू दे रखा है। आंसर पे देखिएगा, अभी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डेरिवेटिव निकाला था पोलर फॉर्म में, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू हमने निकाली थी, लेकिन वहां पर जो जेड लिया गया था वो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था। पहले हम वो फार्मूला लिखते हैं, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा एंड जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस I sin theta और del w upon del r, यानी कि जो फार्मूला हमने डेरिवेटिव इन पार्शियल फॉर्म करा था, पोलर फॉर्म करा था, उसको मैंने सबसे पहले डिस्क्राइब कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा dw upon z है, z की वैल्यू देखिएगा r cos theta plus I sin theta है, लेकिन यहाँ देखिएगा और इस जगह देखिएगा और यहाँ पर जो z है वो रो और phi का फंक्शन है, तो ये वाली वैल्यू इधर चली गई, ये वाली वैल्यू इधर चली गई। तो अब हम लिख देते हैं इन गिवन केस जेड और डब्ल्यू देखेगा इंटरचेंज है, तो यहाँ डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ थीटा है यहाँ फाई है, तो ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस आई साइन फाई और डेल डब्ल्यू की जगह डेल जेड हो जाएगा और यहाँ पर आर की जगह हो जाएगा रो, तो ये हो जाता है आपका कॉस फाई माइनस आई साइन फाई डेल अपॉन डेल रो है। जेड की वैल्यू देख लीजिएगा ये लॉग रो प्लस आई फाई पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये कॉस फाई माइनस का आई साइन फाई अपॉन रो हो जाता है। अब यहाँ से दोबारा वैल्यू देख लीजिएगा रो की वैल्यू, ये अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन रो की वैल्यू में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस आई साइन फाई इंटू कॉस फाई प्लस आई साइन फाइव और अपॉन आ जाएगा डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन डब्ल्यू। अब यहाँ पर देखिएगा डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है, अब ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड नहीं है, ये डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू है। अब मैंने पहले बताया था डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड अगर है तो वो इनफाइनाइट होना चाहिए और डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू है तो वो जीरो होना चाहिए, तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू को जीरो अगर होना है तो यहाँ पर W को पहले इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तो इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर फाइनाइट वैल्यू, जब तक W की वैल्यू फाइनाइट रहेगी तब तक आप इस डेरिवेटिव को जीरो नहीं बना सकते। तो आप कह सकते हैं फंक्शन इज
एनी लाइटिंग इन एवरी फाइनाइट रीजन। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाता है कि जो फंक्शन हमें दिया गया है वो हर फाइनाइट रीजन में जो है वो एनालिटिक होता रहेगा।